सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल निश्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी के अंदर आप देखोगे भी शानदार तेजी, तकरीबन 5% के आसपास हाल फिलहाल आपको आज के दिन तेजी देखने को मिली है। और शेयर आज आप देखोगे 12 रुपये प्लस निकलते नजर आया है, तो शेयर में काफ़ी शानदार तेजी है। ये तेजी सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा कल के दिन एक अनाउंसमेंट के कारण आते नजर आई है। कल के दिन क्या अनाउंसमेंट हुई थी वो हमारी कल वाली वीडियो में आपको बता दिया है। इंडिया की नंबर वन कंपनी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। आप देखोगे जो 20 गीगावाट का जो पावर विंड एनर्जी जो इंस्टॉलेशन के इन्होंने उन सबको लेकर आप देखोगे नंबर वन ये कंपनी बन चुकी है, जिसके चलते शेयर में आज हमें काफ़ी शानदार तेजी बनते नजर आई है। आज का हाई आप देखोगे 12 रुपये 15 पैसे का हाई स्टॉक ने लगाया है। स्टॉक की ओपनिंग हुई 11.55 पर, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 11 रुपये 40 पैसे। ओपन हुआ 11.55 पर, हाई लगाया 12 रुपये 15 पैसे का और जो लो रहा है वो 11.35 का। यानी स्टॉक अप जाकर थोड़ा डाउन आया, ठीक है। और डाउन आने के बाद आप देखोगे शेयर में काफ़ी शानदार तेजी। और कल के दिन आपको एसएल लेने के लिए बोला था और शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे के लिए भी मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि स्टॉक के अंदर ये लेवल लीजिए, नीचे के लेवल पर एसएल लेकर चलिए और ऊपर में टारगेट रहेंगे इसके 12+ के। तो चलिए देखते अभी आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप लोग जो अभी ये न्यूज़ देख सकते हो, सुजलोन सरपेसेज 20 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन, स्टॉक एंड्स 4.5% हायर। कल के दिन की ये न्यूज़ है कि भाई जैसे ही ये खबर आई, ठीक है, कि 20 गीगावाट का जो आंकड़ा है कंपनी ने छू लिया है, उसके बाद आप देखोगे शेयर में 4-5% की कल के दिन तेजी बनी। और आज आप देखोगे सुबह सुबह 6% प्लस शेयर जो ना भी निकल चुका है। उससे पहले आप देखोगे भी डायचे बैंक के साथ फंड रेज को लेकर बड़ी बातचीत चल रही है। लगभग 350 मिलियन US डॉलर ये जो कंपनी है वहाँ से आप लोग देखोगे फंड रेज करेगी। और ये फंड आप लोग देखोगे भी इसका जो डेट रहा है 1100 करोड़ के आसपास रहा है, उसे कंप्लीट करेगी। साथ में आप देखोगे और जो आपका जो बिजनेस है इसे एक्सपेंड करने के लिए जो कंपनी है वो फंड रेजिंग के लिए बातचीत चल रही है। अगर डायचे बैंक के आप देखोगे साथ ये डील हो जाती है तो आप देखोगे ये जो शेयर प्राइस है आज के दिन आपको 12 रुपये के आसपास 11 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको जो ना भी फिर से 390 जो इसका मैक्सिमम हाई है, क्या पता वहाँ तक फिर से चला जाए। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्या पता 4 साल लग जाए या फिर 2 साल लग जाए। तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ेगा, कम से कम 3-4 साल के लिए इसके साथ होल्डिंग में चलिए। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको जितनी भी गिरावट में शेयर मिले नीचे के लेवल पर उन्हें कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए भाई अब इसके देखते हैं चार्ट पर लेवल क्या रहने वाले हैं। एक शानदार ब्रेकआउट स्टॉक में सुबह सुबह होते हुए नजर आया, 12 रुपये के आसपास शेयर हाल फिलहाल है। 12 रुपये का हमारा टारगेट था, कल वाली वीडियो में आपको क्लियर बोल दिया था। नीचे में सपोर्ट हमारा क्या था 10 रुपये 85 पैसे का, ये हमारा एसएल भी था भाई, ठीक है। अगर आप इसे एसएल लेके चले हो गए तो स्टॉक में आज दिन आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट हुआ होगा इंट्राडे के दौरान, ठीक है। अभी आप देखोगे शेयर के ऊपर में जो टारगेट है अपने न्यू बवान वीक हाई की तरफ जाने के हैं, जो कि 12 रुपये 25 पैसे के आसपास है आई थिंक। उसे ये शेयर जो ना भी अब जल्द से जल्द ब्रेक कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हाई जाने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका जो बाउंड वीक हाई है, शेयर आज के दिन इसे ब्रेक करते नजर आ सकता है और ऊपर में फिर ये जो शेयर है आपको 13-14 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर जिन्होंने उठाया है उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला, 12 का ब्रेकआउट ऊपर में पहुंचा, 12.5 पर 12.10 के आसपास जो शेयर हमें हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल पर अगर शेयर को आप उठाना चाहते हो तो 11.25 का स्टॉप लॉस लीजिए और ऊपर में टारगेट 13-14 के ये शेयर आपको दिखा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।